हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो आ नहीं पा रही थी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था और मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था। बट अब हम कोशिश करेंगे कि इसको अपना फ्लो में रखें। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन, ठीक है? तो ये आपका क्लास 9 क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपका काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास सेल डिवीजन, और इम्पॉर्टेंट भी है साथ ही साथ। तो आज हम इस वीडियो में अपना कवर करेंगे सेल डिवीजन। तो पहले समझते हैं सेल डिवीजन है क्या, ठीक है? सेल डिवीजन समझेंगे, सेल डिवीजन के कितने पार्ट्स हैं वो समझेंगे, और आने वाली अपनी क्लास में समझेंगे उसको और थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर में। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सेल डिवीजन। टॉपिक क्या आपका? सेल डिवीजन। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल डिवीजन में होता क्या है। साफ साफ क्लियर पता चल रहा है आपका सेल का डिवीजन होना, मतलब कैसे आपकी सेल डिवाइड हो रही है, वो इस चीज में हम समझेंगे। देखिए, सपोज करिए आपकी एक आपकी सेल है, ठीक है? तो डिवीजन मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, मतलब एक से और आपके पार्ट्स में अधिक चीजों में डिवाइड हो जाना, तो वो आपकी कहलाती है डिवीजन, ठीक है? अब आपकी बॉडी है, बॉडी में हमारी नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं, तो बॉडी में सेल्स का बनना और बिगड़ना ये तो प्रोसेस लगा रहता है। उसके पीछे कौन सा प्रोसेस है वो आज हम इसमें देखेंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल डिवीजन। सेल नई पुरानी सेल्स से नई सेल्स का बनना, ठीक है, और पुरानी सेल्स का आपका खत्म हो जाना, फिर नई सेल्स ऐसे आपकी बनती चली आती है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है? तो अब इसमें देखते हैं, जैसे आपकी एक सेल है, अब आपकी एक सेल से और काफी सारी सेल्स बन जाएंगी, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। याद है, समझ में आया? अब इस सेल डिवीजन में देखते हैं क्या कि हम लोग इसमें लिख क्या सकते हैं अपने सेल डिवीजन को, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है? मतलब आपका वो प्रोसेस जिसमें आपकी नई सेल्स ऑब्टेन हो रही है वो कहलाता है सेल डिवीजन, फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है? ये आपके क्या कहलाती है? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के आपके कितने पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप समझते हैं सेल डिवीजन का। पहला तो आपका क्या होता है? माइटोसिस। पहला क्या होता है आपका? माइटोसिस। दूसरा क्या होता है आपका? मियोसिस, ठीक है? अब इसमें आप समझेंगे, पहला आपका होता है क्या? माइटोसिस, और दूसरा आपका क्या होता है? मियोसिस। तो अब इसमें देखते हैं आपका पहला आ गया माइटोसिस। अब माइटोसिस समझते हैं, उसके बाद समझेंगे मियोसिस। सेल डिवीजन में ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके सेल डिवीजन के, जिसमें आपकी पूरी जो सेल्स की लाइफ है वो आपकी रहती है, ठीक है? पहला समझते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना क्या, माइटोसिस। यहां देखते हैं माइटोसिस वाली कंडीशन क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ समझते हैं ना, किसी कुछ भी जरा भी समझ में नहीं आए तो यू कैन पुट अ मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक? अब माइटोसिस की डिवीजन देखते हैं। माइटोसिस क्या है आपकी? ये वो सेल्स हैं जिसे बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस आपके चलते रहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में वो नॉर्मल प्रोसेस जिससे आपकी सेल्स ब्रेक डाउन भी होती रहती है, साथ साथ नई सेल्स आपकी बनती रहती है, तो वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है आपको? माइटोसिस, ठीक? और मियोसिस में क्या डिफरेंशिएशन है? मियोसिस में यह है, ये आपकी सिर्फ जेनेटिव वाले पार्ट्स में होती है, यानी कि जब आपके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस वाले पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपकी कौन सी प्रोसेस होता है? मियोसिस। तो माइटोसिस में तो क्या हो गया आपकी, जो आपकी पूरी सेल्स, जैसे कि आपकी अगर एक सेल है तो एक सेल से दो सेल्स बन गई, उन दो से चार बन गई, तो ये वाली कंडीशन जिसमें आपके क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं वो कंडीशन कहलाती है आपकी माइटोसिस की। और जहां आपके जैसे जर्म सेल्स हो गए, लाइक अगर मेल की बात करी जाए तो आपके स्पर्म सेल्स, और फीमेल की बात करी जाए तो आपके ओवम सेल्स, उसमें आपकी कौन सी स्टेजेस आएगी? आपकी मियोसिस। तो दोनों का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऐसे याद रखना है आपको कि माइटोसिस की अगर बात करें तो माइटोसिस जो आपका होता है बॉडी में चलने वाली एक्टिविटीज में होता है, लाइक अगर बॉडी में पुरानी सेल्स अगर कैसे किसी को इंजरी हो गई है, सेल्स में डैमेजिंग आती है, तो उसमें जो आपकी नई सेल्स जो बनकर आती है वो आपकी कंडीशन कहलाती है माइटोसिस। और जहां पर आपकी रिप्रोडक्टिव फेज में अगर बात करें, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करें, जहां आपकी जर्म सेल्स आपकी इंक्लूड होती है, वह आपकी कौन सी आती है? मियोसिस। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई डाउट? अभी आपको देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में होता क्या है ये समझिए। अगर बात करी जाए माइटोसिस की, ये आपकी एक सेल आ गई, ठीक, ये आपकी एक सेल आ गई, ये आपके क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है? ये मानिए आपके क्रोमोसोम्स आ गए। अब इससे पहले वाली भी स्टेज अगर देखी जाए तो ये आपकी इस तरीके से रहते हैं,
ऐसे रहते हैं आपके, इन्हें ऐसे मानिए। तो ये सीधे सीधे आपके क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब आपके क्रोमेटिन फाइबर जो है ये आपके क्या होंगे, आपके कंडेंस ओवर इस वाली फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोसोम वाली फॉर्म में, ठीक। तो ये आपकी क्या, कौन सी सेल्स आपकी माइटोसिस वाली सीज देख रहे हैं हमने, ये आपके आगे क्रोमोसोम। अब इन सेल का डिवीजन होगा, इस वाली सेल का क्या होगा आपका डिवीजन। तो अगर इस सेल का डिवीजन होगा तो ये आपकी कितनी सेल बनाएगी, इस सेल के डिवीजन में आपके, और यहां भी आपकी सेम सेल्स रहेंगी। तो अगर यहां पर आपके सपोज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो आपके यहां पर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, मतलब यहां पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें जाएंगे, यहां के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है आपकी किसमें, माइटोसिस में। माइटोसिस में अगर कोई भी डिफरेंस अगर आपसे आपसे पूछता है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो माइटोसिस आपकी फर्स्ट फेज में होती है जिसमें आपको क्या रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस वाली की सिचुएशन क्या है, मियोसिस में आपका पहले तो माइटोसिस वाले तरीके से डिवाइड होगी और सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। अभी देखेंगे आगे वीडियो में कि आगे आपका मियोसिस वाला कैसे रहता है। तो ये तो आपका पार्ट माइटोसिस का जिसमें आपके क्रोमोसोम नंबर सेम हो रहा है। अगर आपकी बात करिए ये आपकी सेल थी तो ये आपके होगी मदर सेल्स, इससे जो दो सेल्स बनेंगी यानी कि जो दो डॉटर सेल्स होंगी वो आइडेंटिकली एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर के साथ आपकी सेम रहेंगी। तो उनमें जो क्रोमोसोम्स है वो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे किसमें, माइटोसिस वाले डिवीजन में। तो ये आपकी क्या थी, मदर सेल्स, इससे आपकी क्या बनी, टू आइडेंटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये आ गई आपकी मदर सेल्स और कह सकते हैं आप पेरेंटल सेल्स भी, और साथ ही आपकी इसी क्या आ गई आपकी टू डॉटर सेल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें आपके बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। तो ये वाली कंडीशन थी आपकी किसकी, माइटोसिस की। अब मूव करते हैं आपका किसपे, मियोसिस पे। अब मियोसिस को देखते हैं मियोसिस में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया माइटोसिस, अब यहां देख लेते हैं थोड़ा सा आपका मियोसिस। मियोसिस ये देखते हैं आपका सेकंड वाला पार्ट मियोसिस। अब देखिए मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस वाले पार्ट में होता है, पहले अगर आप अपने एक सेल ले लेते हैं, यहां गई आपकी सेल ले लीजिए, ये भाई आपकी आ चुकी है सेल। अब इस सेल का होगा डिवीजन, ठीक, पहला सेल, ये आपकी दो स्टेप्स में होती है, ये वाली आपकी दो स्टेप्स में होती है, कैसे, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो इट विल बी टेक प्लेस एज अ मियोसिस फर्स्ट एज वेल एज मियोसिस सेकेंड, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मियोसिस भी आपकी दो स्टेप्स में होती है, पहला स्टेप कौन सा होता है आपका मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा स्टेप आपका क्या होता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट वाला स्टेप देखते हैं, यह आ गई आपकी सेल। अब इस सेल्स का क्या होगा डिवीजन, अब इस सेल्स के डिवीजन में क्या होगा, देखो ये आ गए आपकी दो कंडीशन, साहब आपके क्रोमोसोम्स। तो अब यहां पर आप क्या चीज देख पा रहे हैं कि जो आपकी सेल डिवाइड हुई, यानी कि जो आपकी मदर सेल थी, मदर सेल से जो आपकी दो सेल डिवाइड हुई उनमें तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो ये वाली कंडीशन आ गई आपकी कौन सी, मियोसिस फर्स्ट वाली। ये हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट, जिसमें आपकी सेल की जो नंबर है वो आपकी सेम रहने वाली है, यानी कि अगर यहां पे 46 है तो यहां पे आपके 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है मेन स्टेप, जो कि होता है आपका मियोसिस सेकंड, तो वो है आपका ये वाला फेज, मियोसिस सेकंड आएगा इसके बाद। इस वाले फेज में क्या रहता है, ये आपकी दो तरीके से डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से, ये आपकी दो तरीके से डिवाइड होती है। पहला इसमें क्या होगा आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, जी इसमें क्या होगा आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यहां तक क्या रहेंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मार्कर में इंक रही, चलो इसमें देखते हैं आपके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके ट्रांसफर होंगे। बट जब हम इसमें मूव करेंगे मियोसिस सेकंड वाले पार्ट्स में, तो वो आ गया आपका यहां से स्टार्ट होगा आपका क्या, मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा, जो आपके क्रोमोसोम नंबर थे ये आपके हाफ हो जाएंगे। तो ये वाली आपकी कंडीशन कौन सी होती है, मियोसिस। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, माइटोसिस, सेल डिवीजन क्या थी आपकी, एक बार देख लेते हैं, सेल डिवीजन क्या थी कि आपकी जो पुरानी सेल्स से आपकी नई सेल्स बनकर आ रही है और एक सेल से आपकी दो सेल्स बन रही है, वो मतलब आपका पुरानी सेल से नई सेल्स का बनना
न्यू फॉर्मेशन होना वो आपकी कहलाती है सेल डिवीजन। सेल्स का डिवाइड होना और नए सेल्स का आपका बनना बॉडी में, वो कहलाती है आपकी टर्म्स सेल डिवीजन। अब आपने देखा सेल डिवीजन के कितने पार्ट्स, दो पार्ट। पहला पार्ट आपका क्या होता है माइटोसिस, दूसरा पार्ट आपका मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है आपका जो आपकी मदर सेल से जब वो डिवाइड करती है तो आपको माइटोटिकली डिवाइड करती है, इट्स मीन कि आपके जो डॉटर सेल्स में आपके क्रोमोसोम जाने वाले हैं वो आपके सेम क्रोमोसोम रहेंगे, यानी कि 46 के 46 क्रोमोसोम आपके ट्रांसफर होंगे। ये बात थी आपकी माइटोटिक की। अब दूसरी बात आती है मियोसिस। मियोसिस इट कुड बी द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं आपका बहुत बेसिक वाला पार्ट है जिसको आपको मतलब याद होना ही चाहिए, पता ही होना चाहिए। तो मियोसिस में क्या होता है आपका, मियोसिस आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती है। लाइक अगर बात करें मेल में स्पर्म सेल्स में होगी और आपके फीमेल में ओवम सेल्स में होगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स होगा किसका, मियोसिस के। मियोसिस में आपका कैसे हो रहा था ये भी देख लीजिए। मियोसिस में आपके दो तरीके से हो रही थी, पहला मियोसिस वन, दूसरा मियोसिस टू, ठीक है। तो मियोसिस वन में क्या होता है ये वाला, यहां तक जो स्टेप है ये स्टेप है आपका मियोसिस वन का, और इसके बाद वाला जो ये वाला स्टेप आ गया ये आ गया आपका मियोसिस टू, ठीक है। तो मियोसिस वन में क्या था आपका सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं 46 से 46, और उन वाली टू डॉटर सेल से जो आपकी फोर डॉटर सेल्स बनी ये वाली कंडीशन से आपकी कहलाएगी हैप्लोइड डॉटर सेल्स। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हैप्लोइड डॉटर सेल्स, तो ये आपकी फोर आइडेंटिकली हैप्लोइड डॉटर सेल्स आपकी आ गई है। तो यही था आपका मियोसिस और माइटोसिस और पूरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन पुट अ मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मियोसिस के जो और मियोसिस वन और मियोसिस टू में होने वाली स्टेजेस है उनको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।